तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स को लेकर के जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी कामकाज कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके साथ साथ ड्रोन वगैरह भी में कामकाज चल रहा है और भी बहुत सारी बिजनेस में कंपनी कामकाज कर रही है। उन चीज़ों को लेकर के अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल की बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, आप लोगों की हमारे अंदर क्या कमियां दिखाई देती हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या चीज़ चाहिए होता है आपको जो कि हम नहीं दे पाते, उन सारी चीज़ों की आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें क्या किस चीज़ पे वीडियो बना करके अपडेट्स देने चाहिए। अगर आपको किसी स्टॉक के ऊपर अपडेट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते भी हैं तो कोई लिखता है फास्ट लाइक, मतलब क्या है ये, ठीक है। तो जो भी नॉलेज वाली चीज़ें हैं वो हमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये स्टॉक NSE BSE में लिस्टेड है। तो वीडियो स्टार्ट किया है, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं ना, जो एक तरह से लगे कि हाँ ये चीज़ ना आपको इन चीज़ का ज़रूरत है या फिर मेरे अंदर जो चीज़ कमी है, उन चीज़ों का आपको ज़रूर कमेंट करके सलाह देना चाहिए, राय देना चाहिए। तो हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो करंट में मार्केट कैप है 7,844 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 56 रुपये का और हाई लगा चुका है 68 रुपये का, लो है 32 रुपये का। स्टॉक फी है 72, तो स्टॉक फी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा स्टॉक है। और बुक वैल्यू 2 रुपये 96 पैसे की। कंपनी डिविडेंड एल्ड प्रोवाइड नहीं करती है। ROC है 3.12%। ROE है 7.39% निगेटिव में है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। प्रमोटर के पास 74% की होल्डिंग, मतलब बहुत ही लाजवाब होल्डिंग है। और डेप्ट टू इक्विटी से 2.37 है, मतलब कंपनी के पास जो कर्ज है ना वो ज़्यादा है। एनुअली प्रॉफिट की बात करें 286 करोड़ का निगेटिव में है और डेप्ट है 973 करोड़ का। और रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% निगेटिव में। इंडस्ट्रीज पी है 29 और EPS है 80 पैसे की। फ्री कैश फ्लो 688 करोड़ निगेटिव में, प्लस परसेंटेज 12% की होल्डिंग गिरवी रखा गया है प्रमोटर की तरफ से। तो अभी तक आपने क्या देखा, इस स्टॉक के अंदर मैक्सिमम चीज़ें निगेटिव में देखने के लिए मिल रही हैं, बट फिर भी ये स्टॉक ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहता है। बहुत लोगों के बहुत ही डिमांडिंग स्टॉक है, बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है इसी स्टॉक के ऊपर। और आते हम लोग कहाँ पे, प्रॉस की तरफ। उससे पहले बता दें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले करके बाई और सेल कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रॉस की बात करें तो नील बटा सन्नाटा है, प्रॉस के अंदर तो कुछ है नहीं। तो इस जगह हम बता दें क्वार्टरली नतीजे हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो ये मेंसुलेंस सेक्टर का स्टॉक बोला जा सकता है इस स्टॉक को। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट आया है, बट सितंबर का नहीं आया है। बहुत ही जल्द सितंबर का भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 करोड़ का इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ जून वाले क्वार्टर में। पिछले जून में 212 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, ऑपरेटिंग लॉसेस है ये। और नेट प्रॉफिट पे आ जाए तो अगर आप देखेंगे 178 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी को, बट ये प्रॉफिट कहाँ से हुआ है, अदर से इनकम आए 205 करोड़ के कंपनी के पास। इस वजह से कंपनी को 178 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और पिछले साल 216 करोड़ का लॉस हो गया था। अगर हम बात करें तो कंपनी कहीं ना कहीं जो क्वार्टरली नतीजे हैं जून वाले का, बहुत ही दमदार रिजल्ट बना करके दिखलाई है, ला रही है, परफॉर्मेंस लाजवाब है। बट आते हैं हम लोग ईयरली बेस पे, देखते क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस। तो आप चेकआउट कर सकते हैं TTM में इनका क्वार्टरली रिजल्ट, सॉरी TTM में रिजल्ट्स। तो 116 करोड़ का लॉस दिखला रहा है, वहीं 2023 में 40 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में 22 करोड़ का लॉस, 2021 में 2 करोड़ का लॉस। उससे पहले भी लॉस मेकिंग कंपनी रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के मामले में। अभी तक ये लॉस मेकिंग कंपनी रही, नेट प्रॉफिट पे आ जाएं तो हम चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे कि 108 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रहा है टीडीएम में। 2023 में 286 करोड़ का लॉस, 2022 में 554 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 0 करोड़ का ना प्रॉफिट ना लॉस। तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी 2023, 2022, 2021 और ये 24 का डेटा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 2021 आते आते कंपनी अपने लॉस को ख़त्म कर दी, 0 पे आ गई। 2022 में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के आई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आया, दौर आया उस दौरान। और अगर हम लोग देखें 2023 तो सम ऑफ रीजन, कुछ रीजन्स थे जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो गए, लेकिन फिर से कंपनी प्रॉफिट ला रही है। अब हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की। तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं पे आउट करती है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 569% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 12 महीनों का टीडीएम में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 68% नेगेटिव में टीडीएम में। स्टॉक प्राइस सीजीआर 20% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 12 महीनों के अंदर लेस गया है, स्टॉक प्राइस सीजीआर 20% है, ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट चेकआउट कर ले कंपनी की तो देख सकते हैं इनके पास ड्रॉविंग 973 करोड़ का कर्ज अभी इंक्रीज हुआ 2023 में। पहले 159 था, 69 था, नहीं 59 था, फिर ये 973 हो गया, मतलब कंपनी अभी कर्ज ले रही है। और वहीं रिजर्व की बात करें तो कंपनी की रिजर्व जो है ना डाउन हुआ है, 133 करोड़ का हो गया है 422 से। और कैश फ्लो की हम लोग बात करें तो कैश फ्लो नेगेटिव में है, नेट कैश फ्लो 30 करोड़ कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग बैडन पर आ जाएँ तो 74% की होल्डिंग प्रमोटर के पास लगातार बना हुआ है। 2021 में 74.75 थे, अभी 74.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 9% की होल्डिंग एफआईज के पास है, डीआईज के पास तो होल्डिंग है नहीं। पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग है, अच्छा खासा पैसा है इन्वेस्टर के प्रमोटर के पास। लेकिन पब्लिक के अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है, हम ये चेकआउट करते हैं। और उससे पहले बता दें दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया अपस्टॉक और एंजल वन का, दोनों का लिंक दिया गया। किनका? अपस्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया। तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, 1% की होल्डिंग नहीं इंडिविजुअल, अभी तो पब्लिक का वो ओपन नहीं हुआ है। उससे पहले बता दें दोस्तों, स्टॉक का नाम, इस स्टॉक का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और ये कंपनी वाइड रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिव इंटर एलिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर, लीगल, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड कंसल्टेंसी to supply of manpower, skilled, semi-skilled and unskilled software designing and developments, and implementations of payment system and gateway etc. और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी कामकाज कर रही है। तो ये हो गई जो हाल ही दिनों में ये सारी बिजनेसेस कंपनी स्टार्ट की है। पहले बाइक का स्टार्ट की। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, अगर इस जगह पे हम देखें सॉरी दोस्तों, इनकी बिजनेस, तो बिजनेस के अंदर क्या, कोको ब्लू ये एक तरह की इनकी न्यू बिजनेस है। और रिवॉल्ट ये इलेक्ट्रिक बाइक कंपनी का ये वो ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक बाइक जनरेट करता है, तैयार करता है। न्यू ब्रांड्स, तो ये ब्रांड को लेकर के कंपनी कामकाज कर रही है। गारमेंट्स को लेकर के, Vfin पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के। न्यू स्काई ये वो कंपनी है जो ड्रोन को लेकर के कामकाज कर रही है, मतलब ये उनका वो ब्रांड है जो ये वाला जो ड्रोन देख रहा है ना, तो ये ड्रोन से रिलेटेड कामकाज कर रही है। और टैस न्यू एरा एराइल मोबिलिटी को लेकर के है। तो ये सारे इनके बिजनेस है। डेफिनेटली अगर आपको ये स्टॉक ना समझ में आ रहा हो तो इनकी बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों पे एक एक करके वीडियो बनाएं तो ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मोटा मोटी समझ लो कि ये कंपनी ना फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करके दिखला सकती है। लेकिन उससे पहले इन सारी चीज़ों को बातें करने से पहले हम लोग कहाँ चलते हैं और टेक्निकल तक चलते हैं। तो अगर हम लोग अब बिजनेस की बात करें, लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक बाइक इनका आया था उस दौरान इस स्टॉक का प्राइस 4 रुपये के लेवल में ट्रेड कर रहा था। बात समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बाइक जब लॉन्च की कंपनी ने, उनका स्टॉक्स इलेक्ट्रिक बाइक का जो भी स्टॉक्स आए कुछ मिनट में वो सारी की सारी बाइक्स बुक हो गई बहुत ही जल्द। उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इस स्टॉक के अंदर ना ये है कैपेबिलिटी रखता है ये स्टॉक कि हाँ ये अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। तो इस लेवल से ये स्टॉक आप देख सकते हो 5 रुपये के प्राइस से, ठीक है, 4 रुपये के प्राइस पे भी स्टॉक काम कर रहा था और उससे भी नीचे भी कभी था। जो लोग यहाँ कहीं 1 रुपये के प्राइस में पैसा लगाए होंगे सोच लो उनका क्या ही रिटर्न मिल रहा होगा, ठीक है। तो 70 रुपये का हाई लगाए, 1381% का रिटर्न कंपनी बना करके दे दी। तो आपको क्या लग रहा है 1300% का जो रिटर्न बना करके देगा इतना जल्दी जल्दी फिर आपको रॉकेट बनता रहेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक को आप उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक हो, तो जब भी अच्छा रिटर्न बना करके देती हैं कंपनियां, उसके बाद स्टॉक के अंदर गिरावटें होती हैं। 45% का गिरावट हुआ है और भी गिरावट होते हैं, 50-60% का भी इस स्टॉक के अंदर भी गिरावट हुआ, 57% तक का तो गिरावट होता है। और उसके बाद स्टॉक एक रेंज क्रिएट करता है, क्योंकि 1300% रिटर्न बना करके देना कुछ मात्र 2 महीनों के अंदर, 2 से 3-4 महीने, मतलब मैक्सिमम आप मानो सबसे ज़्यादा रिटर्न 2 महीनों के अंदर मिला है और 4 महीने के अंदर पूरा टोटली अच्छा से रिटर्न मिल गया है। इतना हाई रिटर्न बना करके देना कम समय के अंदर मामूली बात है नहीं। तो अपनी वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए स्टॉक एक रेंज क्रिएट करता है और उस रेंज में रहता है। फिर स्टॉक के अंदर क्रैक्शन होते हैं और एक रेंज क्रिएट होता है ताकि अपनी वैल्यूएशन को मेंटेन कर पाए। दूसरा नंबर की स्टॉक के अंदर जो बिजनेसें हैं जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बाइक, ड्रोन, तो अभी अच्छे से प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं आ पाया है ये कंपनी, बट प्रॉफिट तो ला रहा है, बट अभी भी नहीं आ पाया है। अगर ये स्टॉक ना इस रेंज में ट्रेड करता हुआ मिले 32 के प्राइस में तो डेफिनेटली इस स्टॉक को नज़रों में ला करके रखा जा सकता है। लेकिन पैसा देखो, पेन स्टॉक के अंदर पैसा उतना ही डालो जितना आप खोने के लिए तैयार हो। बात समझने की कोशिश करना, जितना आप खोने के लिए तैयार हो उतना ही पैसा डालो, अदरवाइज बिल्कुल पैसा मत डालो। और नहीं तो क्या होता है ना, पेन स्टॉक ना बहुत ज़्यादा हाई रिस्क बना करके हाई रिस्की होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न भी बना करके देते हैं लोगों को। तो इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहो कि हाँ मैं रिस्क भी मुझे मिल सकता है, बहुत तगड़ा वाला मेरा पैसा भी डूब सकता है। हाँ अगर रिटर्न बनाता है तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है पेन स्टॉक के अंदर। तो पैसा अभी भी यहाँ डालना है तो वही पैसा डालो जो आप खोने के लिए तैयार है, लेकिन बिल्कुल टेक्निकल को फॉलो करते हुए डालो। ये ना कि स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास पहुँचा है, हाँ स्टॉक भागने वाला है, मैं डाल लूँ, खरीद लूँ और स्टॉक अब यहाँ से हवाई रॉकेट बन जाएगा। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए। स्टॉक सपोर्ट लेने ज़रूर आएगा 32 रुपये और 33 रुपये के प्राइस में, 35 रुपये के प्राइस में। तो इन सब लेवल्स में डेफिनेटली स्टॉक को नज़रों में रख के रखा जा सकता है। और अभी करंटली जो जून वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है, अगर सितंबर का रिजल्ट अभी देखो आने वाला है, अगर बेहतरीन आ जाता है तो हो सकता है स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो, ठीक है, स्टॉक यहाँ से रिवर्सल मारता है ऊपर की तरफ तो हो सकता है ब्रेकआउट हो। अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक ठाक रिटर्न बना करके दे सकता है। तो लालच जब बीच मजेदार वाली बात आए ना, थोड़ा सा उस स्टॉक से दूरी बना करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर से सिर्फ एक ही ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना करके दे सकता है। या फिर तो ऐसे जो लालची लोग होते हैं ना वो वही फंसते हैं। तो स्टॉक के अंदर दूरी बना कर रखिए। हाँ स्टॉक जब भी सपोर्ट के पास मिले या फिर ऊपर के लेवल पर सपोर्ट के पास मिले, मतलब ऊपर हाई ग्रोथ दे दी या फिर करेक्शन हुआ है, उसमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो हम एंट्री करके चल सकते हैं। अदरवाइज ख़राब फंडामेंटल है तो नहीं, कभी नहीं कर सकते। यही चीज़ है। अगर ऊपर के लेवल पे भी जा कर के फिर सपोर्ट लेता है, कहीं एक रेंज क्रिएट कर तो वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। नीचे के लेवल्स पे अगर आता है स्टॉक तो इधर भी कहीं एंट्री ले करके चला जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन सारी बातों को सोच करके देखने के बाद आपको तुरंत डिसाइड नहीं कर लेना कि स्टॉक के अंदर जाकर के एंट्री ले लें, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस स्टॉक को आप अपनी नज़रों में डाल के रख सकते हैं, क्या स्टडी पर्पज़ से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क और बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।